बासे आलू चावल में क्या बनता है, अच्छा है? रात को उबालेंगे तो क्या फ्रिज में रखकर सुबह खा सकते हैं? बाहर तो खराब हो जाता है। कौन कौन सुनी मेरी बात, जरा हाथ उठाना तो इसका आंसर दे दूं मैं। तो रात को चावल है, आलू है, शकरकंद है, इसको उबाल करके अच्छी तरह ठंडा होने दो, फिर फ्रिज में रख दो रात को, और सुबह उसको खाओगे तो उसमें आपके रेजिस्टेंस स्टार्च काफी मात्रा में पैदा हो जाता है, उसका नाम है रेजिस्टेंस स्टार्च। ये प्रश्न जो दिया है वो है कि नहीं, यहां पर हाथ उठाना, प्रश्न वाला है कि नहीं है? नहीं है, हाँ ठीक है, ले जाओ। तो ये ध्यान रखो कि ये रेजिस्टेंस स्टार्च क्या है, तो बहुत अद्भुत प्रीबायोटिक्स है। इसको क्या बोलते हैं? प्रीबायोटिक्स, जो हमारे पेट में जाकर के जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, गट्स इको फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, उनके लिए ये भोजन बन जाते हैं, और वह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी आपके शॉर्ट चैन फैटी एसिड, उसको बोलते हैं शॉर्ट चैन फैटी एसिड, सिक्रेट करते हैं, जिसको बोलते हैं ब्यूटिरेट, जिसको बोलते हैं एसिटेट, जिसको बोलते हैं फॉर्मेट, जिसको बोलते हैं आइसोब्यूटिरेट, जिसको बोलते हैं वैलेरेट, जिसको बोलते हैं आइसोवैलेरेट। तो ये जो है, जिसको बोलते हैं आपके सक्सिनेट, तो ये आठ प्रकार के मुख्य शॉर्ट चैन फैटी एसिड होते हैं, जो हमें हृदय रोग से बचाते हैं, डायबिटीज से रक्षा करते हैं, मोटापा से रक्षा करते हैं, बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से रक्षा करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि इनका कितना बड़ा महत्व है।